क्वेश्चन है जेई मेन 2019 अप्रैल अटेम्प्ट डे 3 शिफ्ट 1। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एनी ए सबसेट ऑफ आर डिफाइन जी ए एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स बिलोंग्स टू ए इफ एस 0 to 4 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन ऑप्शन बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन का प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले क्या क्या बातें दी हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक तो दे रखा है कि जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर है, दूसरा दे रखा है कि जो जी ए है वो बेसिकली है ऐसा एक्स बिलोंग्स टू आर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन लिख दे रहे हैं, एफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जिस इनपुट के लिए आप यूज करना चाहते हो एफ एक्स उसमें से बिलोंग करेगा और जो एक्स आएंगे वो आपका आंसर बन जाएगा, और एस जो है वो है 0 से 4। ये बातें हमें दे रखी हैं। अब इस क्वेश्चन में बारी बारी से ऑप्शन चेक करना है, तो पहला ऑप्शन आप देखो क्या है, पहला ऑप्शन है एफ ऑफ जी एस। ठीक है, इसको निकालने से पहले आप निकालिए जी एस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो जी एस क्या आएगा, जी एस का मतलब होना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू आर और एफ ऑफ एक्स जो होगा दैट शुड बी बिलोंग फ्रॉम एस। क्यों? क्योंकि जी ए में ए से बिलोंग करेगा तो जी एस में एस से बिलोंग करेगा, और एस है 0 से 4, तो एक्स स्क्वायर 0 से 4, तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -2 से 2, ये इसका जी एस आंसर आ जाएगा। नाउ एफ जी एस देखते हैं, एफ जी एस का मतलब क्या हो गया, अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ जी एस का मतलब हो गया जी एस का स्क्वायर, और उस हिसाब से जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी 0 to 4, और 0 to 4 जो होगा वो एस के बराबर हुआ। ठीक है, और एफ एस कितना है, एफ एस कितना है वो भी देख लेते हैं। तो एफ एक्स कितना है आपका, एफ एक्स एक्स स्क्वायर, एफ एस कितना हो गया एस स्क्वायर, दैट इज 0 to 16, है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ जी एस है वो है 0 से 4, लेकिन एफ ऑफ एस है 0 से 16, इसका मतलब वो एफ ऑफ एस के बराबर नहीं है। पहला पार्ट सही लिखा है, ठीक है, पहला पार्ट सही लिखा है। दूसरा पार्ट क्या है, एफ ऑफ जी एस बराबर एस, बिल्कुल सही है, एफ ऑफ जी एस आया 0 से 4 और 0 से 4 ही क्या है एस के बराबर है, तो एस के बराबर यानी दूसरा पार्ट भी क्या लिखा है, करेक्ट लिखा है। अब आते हैं अगले पार्ट पे, अगले में दोनों में जी एफ एस पूछा, तो पहले आप निकालिए जी एफ एस निकालो, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर, किस तरह से, एफ एक्स बिलोंग्स फ्रॉम एफ एस। क्यों, अरे भाई जब जी ए लिखते हैं तो ए से बिलोंग करता है, जब जी एफ एस लिखेंगे तो एफ एस से बिलोंग करेगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर एफ एस कितना है 0 से 16, तो x कितना आ गया, तो x आ गया -4 से 4। अरे किसी चीज का स्क्वायर अगर 0 से 16 के बीच में लाई कर रहा है तो आपका x लाई करेगा -4 से 4। ठीक है, और आप gs निकाल लो, आप gs निकाल लो, gs कितना आएगा, तो gs अभी हम निकाल चुके हैं पहले, कितना आया था, gs आया था -2 से 2, gs आया था -2 से 2। चलो चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, जी ऑफ एफ एस इज इक्वल टू जी एस, चेक कर लो भैया, जी ऑफ एफ एस -4 से 4 है, जी एस -2 से 2 है, बराबर नहीं है, तो नॉट होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू दिया, तो ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ है। और चौथा क्या है, जी ऑफ एफ एस नॉट इक्वल टू एस, बिल्कुल सही है, जो जी ऑफ एस आ रहा है -4 से 4 आ रहा है, जो कि नॉट बराबर 0 से क्या है 4 है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट भी करेक्ट है, सेकेंड पार्ट भी करेक्ट है, फोर्थ पार्ट भी करेक्ट है, थर्ड पार्ट रॉन्ग है, और हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया है, उसी हिसाब से इसका जो आंसर हुआ वो हुआ थर्ड पार्ट। थैंक यू।